ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अजिता। जनप्रतिनिधियों को स्वेच्छा अनुदान राशि दी जाती है जो अपने क्षेत्र में विकास और जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं। इसे देने के लिए जनप्रतिनिधि सांख्यिकी विभाग को प्रस्ताव भेजते हैं जहां से प्रस्तावित किए गए कार्य या व्यक्ति के लिए धनराशि जारी की जाती है। हालांकि ज्यादातर जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए यह राशि का बंदरबांट किया जाता है, लेकिन सिमरिया विधायक के पितृ पार्टी के ऊपर आप पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए सभी नियम कायदों को दरकिनार कर विधायक ने शासकीय राशि का दुरुपयोग किया है। साथ ही क्षेत्र में जमकर हो रहे भ्रष्टाचार और कागजों में हो रहे विकास की पोल खोली है। आइए आपको सुनाते हैं हमारी न्यूज एडिटर अनीता पांडे से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने क्या आरोप लगाए हैं। हमारे साथ हैं सिमरिया विधानसभा के प्रत्याशी रहे आप पार्टी के प्रमोद शर्मा जी, जो विधानसभा में लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे हैं। हम उनसे जाने कि किस तरह की मूलभूत समस्याएं क्षेत्र में हैं और वर्तमान विधायक प्रशासनिक अमला किस तरह से समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो विराट 24 ने मुझे जो है यहाँ पर बुलाया, और ये जो आपने जो सवाल पूछा है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासनिक अमला जो है विधानसभा सिमरिया में, मैं जब से वहाँ पर इलेक्शन जब से मैंने फाइट किया उसके बाद से मेरे साथ में 22 लोग ने इलेक्शन लड़ा था और मैं जो चौथे नंबर पे था उससे तब से लेके आज तक जो है लगातार लोगों की समस्याओं को मैं देख कर प्रशासनिक अमला जो है, जैसे सवाल पूछना प्रशासनिक अमला कहाँ है, तो मुख्यमंत्री या बीजेपी सरकार का जो सीधा सा है एक छोटे से मामले को लेते हैं अपन, प्रशासनिक अधिकारी सोमवार गुरुवार को अपने कार्यालय पे पूरा बैठेंगे। गांव के मेरे द्वारा जो है लगभग 7 से 8 जो है पटवारी है प्रशासनिक अमलों को इसी बात पर निलंबित कराया गया है। तो ये समझ लें इस वक्त जो है प्रशासनिक अमला जो है सबसे बड़ी बात जो है वहाँ पर हैंडपंप जो है गांव की समस्या, पेयजल की समस्या है। 50 अगर हैंडपंप है उनमें से जो है 7 से 8 चालू हैं, बाकी सब बंद हैं। रही बात जो है वर्तमान विधायक, तो वर्तमान विधायक को मैं जो है शुरू से वो दुर्घटनावश विधायक कहता हूँ, वो एक एक्सीडेंटल विधायक हैं, अचानक से उनको आना और वो बीजेपी पे टिकट मिल जाना और वो जीत गए। उसके बाद से क्षेत्र में जो है एक गुहार मची हुई है कि यहाँ पर जो है लोग जो हैं विधायक जो किसी प्रकार से लोगों के सहाय नहीं हो पा रहे हैं। क्या विकास सिर्फ दिखावे का और कागजों पर चल रहा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विकास जो है कागजों पे जिस प्रकार की उनकी सेल्फी होती है, जिस प्रकार से ये होता है कि हमने ये काम कर दिया, या फिर जो उनके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो है कुछ भी अगर उनके द्वारा ये बताया सेल्फी बताई जाती है, उसमें से अगर जब मैं रिपोर्ट करने गांव पे पहुंचता हूँ, मौके पे पहुंचता हूँ, तभी ये खुलासा होता है कि जो उन्होंने बताया था वो सिर्फ और सेल्फी और तथाकथित बात है जो कि पूरी तरह से गलत साबित होती है। विधायक निधि के वितरण में आपने अनियमितता पाई, आरोप लगाया है कि मामला है किस तरह से हुआ? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विधायक निधि में जो काम उन्होंने करवाए हैं वो या तो काम में 5 लाख का काम है तो उसमें जो है 50,000 के काम या 60,000 1 लाख का काम है। उसके बाद जो है विकास निधि का जो पैसा मिलता है वो पैसा जो है उनके लोग अगर काम नहीं करते हैं, तो जैसे गौशाला का मामला अगर जगह जगह पर गौशाला बन रही हैं तो वो मामला अगर है तो उनके जगह में उनके लोग अगर काम कर तभी हो पाता है। और अनियमितता को लेकर मैं आपको एक कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो है ये पेपर हैं, ये RTI लगाकर हमने जो है पूरे 8 विधायक सांसद सबका जो है ये निकाला गया था, RTI लगाया। इस RTI में बड़ा देखकर बड़ा हैरत की बात है कि 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये का जो है जो बनने वाला बस स्टैंड का जो होता है स्ट्रक्चर, वो जो है आपका 3,62,000 रुपये का उसका पे करके ये लोग विधायक निधि निकाल रहे हैं, लेकिन गांव में जो प्रधानमंत्री आवास से जो मकान का पे पैसा मिलता है वो 2 लाख रुपये है। तो इस बात से समझना है कि पहली अनियमितता तो यहीं दिखाई देती है। दूसरी जो है उनके पैसे की अनियमितता के बारे में बात करूँ तो मेरे हाथ में ये जो लगभग जो है ये लिस्ट है, जिसमें जो है ये लिस्ट में लगभग जो है
450 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर की ये लिस्ट में सब लोगों का मत लिखा हुआ है, और इसमें समस्त जहाँ जहाँ पर मैं जा रहा हूँ किसी भी गांव पे मैं अगर नाम पुकारता हूँ कि विधायक के लोग कौन हैं, तो अगर वो लोग जो दो तीन नाम बताते हैं उसमें से जो है तीन के तीनों नाम जो है इस पर आ जाते हैं। इसमें बड़ा उदाहरण है कि इनके सारे मत जो है आर्थिक जो सहायता की राशि जो होती है वो विधायक को तब देना होता है जब कोई आदमी मजबूर हो जाए किसी काम के लिए या उसके घर में कोई दुर्घटना घट जाए उसको आर्थिक सहायता, लेकिन यहाँ पर उनके बीजेपी के सारे जितने मंडल हैं उनका नाम ले लेंगे। सिमरिया से अगर मैं ले लूँ तो सिमरिया में काफ़ी लोग जो हैं दामोदर जी हैं पाठक जी हैं जो कि वहाँ के काफ़ी सम्राट नागरिक बहुत ही प्रबुद्ध हैं, उनके अकाउंट में जो है पैसे जाते हैं। यदि मैं इस पर अगर बात कह दूँ कि बसावानामा विकास अनाथालय जो कि समिति है ही नहीं जिसके संचालन जो है करने के लिए एक जो है उन्हीं के जो मंत्री कहलाएंगे आपका किसान मंत्री जो कहलाएंगे वो जयराम जी हैं, जयराम जी के अकाउंट में 10,000 रुपये जाते हैं आर्थिक सहायता के लिए। उसके बाद जो अगर बात कर लूँ मैं आपको तो यहाँ पर शुभम गुप्ता करके हैं जो कि वहाँ पर मीडिया देखते हैं पूरे सिमरिया के, उनको जाता है। अगर छविलाल यादव की बात कर लें तो इसमें छविलाल यादव का भी नाम है इस पर। छविलाल यादव वो व्यक्ति हैं जो कि जो है लोगों के द्वारा मैं जब पहुँचा तो मालूम चला कि ये जो है उनके ड्राइवर हैं, उनकी पत्नी के नाम से भी रेखा के नाम से भी जाता है पैसा। ऐसे करके ये सारे हैं जिस जिस गाँव पर आप पहुँचेंगे, अभी मैं बहुत सारे हैं लोग हैं, भागवत शुक्ला जी हैं बगड़ा से हैं उनका नाम अगर आप ले लेंगे तो बड़े लोग हैं, जयराम तिवारी जी हैं कपटिया से हैं, ऐसे करके पूरे विधानसभा के एक ही परिवार है। कटकी के अंदर में द्विवेदी परिवार है, राकेश जी के द्विवेदी परिवार है, ये जो है 60,000 रुपये एक ही घर पे ये निधि जाती है। इसका मतलब ये है कि जो है विधायक के अपने लोगों को पैसा जो है देने बांटने के लिए जो है कर रहा है, और इससे अनियमितता साफ नजर आती है कि विधायक ने अपने मद का जो है गलत उपयोग किया, और मेरा जो है मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ, और विधायक को जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से बंदरबाट पैसे का जो जनता का पैसा है वो करना कहीं से कतई किसी प्रकार से ठीक नहीं है। सिमरिया के विकास में सबसे बड़ा विकास गौशाला बताया जाता है, गौशाला में क्या स्थिति है? अच्छा सवाल है आपका गौशाला के बारे में। जिस प्रकार से ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौशाला बार कहा जाता है, जिसके जो है संरक्षक जो हैं वो आपके भूतपूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, और राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं वहाँ पर जो है गौशाला बनाने के लिए 2017 पे उनको ये किया था, और तब से लेकर अभी तक मैं 4 टर्म ऐसा हो चुका जब तक मैंने जो है लगातार ये आरोप लगाए हैं और लगातार विजुअल क्लिप दिखाई है कि वहाँ पर जो है जानवरों का जो गौ माताएँ हैं उनकी रख रखाव बिल्कुल सही नहीं है। जो गाइडलाइन दी जाती है गाइडलाइन ये दी जाती है किसी को भी गौ माता के शरीर का चमड़ा नहीं छिला जाएगा, उनको अंदर भूमिगत करना है, उसके अलावा उनकी बीमारियों का ध्यान रखना है। उसके बाद जो व्यवस्थाएं उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि अभी बसावानामा गौवंश अभ्यारण्य के नाम से बैंक में जो है 2 करोड़ की FD रखी हुई है, लेकिन वहाँ पर मतलब गौवंश के लिए जो है वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। और इस पर भी एक मद लिखा हुआ है, इस पर मैंने जो आपका RTI लगाई थी उसमें जो है एक कॉलम नंबर जो है उस पर अगर आप चले जाएं तो कॉलम नंबर पहले पेज पे जो है 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपये जो है विधायक निधि से उन्होंने इस पर दी थी, और ये पैसा जो है वहाँ पर गौशाला उस पे से वे भूसा का जो भंडार बनना था वो पहले से बना हुआ है। इसका मतलब 10 लाख रुपए ये कहीं और गए हैं। और गौशाला का सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर सिर्फ रीवा जिले में 32 गौशाला सेंशन हुई थी, जिसमें से जो है 23 गौशाला जो है सिर्फ सिमरिया विधानसभा में है। सिमरिया विधानसभा की 13 गाँवों की गौशाला का पूरा मत जो है विधायक के द्वारा जो है वो इसी गौशाला में बसावानामा को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वहाँ की स्थिति इतनी बदतर है, इसको जब मैं लेकर मैंने अभी ये किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लोगों से मुलाकात की, उनसे बताया, तो उस पर देखने को ये मिला कि स्थिति वहाँ पर बस से बदतर है, और निश्चित तौर से वहाँ पर जो है अभी स्थिति बनाने के लिए समिति में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि समाज सेवी लोगों को रखा जाए, ना वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है, ना CCTV कैमरे हैं। यहाँ पर एक मामला उसमें और चल रहा है, कुछ दिन पहले ही 1 साल पहले एक बजरंग दल के लोगों ने पकड़ा था, 100 गायें पकड़ी थी और उसको उसी गौशाला में रख दिया गया, तो कोर्ट में यहाँ पर केस चल रहा है। और उस पर से जो है अगले 10 दिन बाद जब पहुँचे तो अचानक जो है 100 में से गायें जो हैं वो 30 ही गाय रह गई हैं। ये बड़ा ताजुब की बात है कि अचानक मेरे घर पे जो मेरी गौवंश जो है 5 के 5 रहती हैं, सालों साल बाद उनकी मृत्यु होती है, पर वहाँ रोज 150 लोग मरते हैं। तो स्थिति आप जनता जो है सब लोग आप लोग सब समझ सकते हैं। अभी तक हम जान रहे थे सिमरिया विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए, चुनाव के समय विधायक जी ने जो वादे किए थे क्या अभी तक पूर्ण हुए?
विधायक जी या मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान विधायक ने जो वादा किए थे सिमरिया के लोगों का, सिमरिया के लोगों से वादा ये हुआ था कि आपके जो हैं गांव के अंदर में हम जो है सारे विकास कार्य कराएंगे, हम आपके यहां पर जगह जगह पे व्यवस्था बनवाएंगे। जो उन्होंने वादा किया था वो वादे तो उन्होंने अपने खुद के जो है उन्होंने ये बताया था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पर विश्वास मानिए कि खेत के अंदर से जो है खेती करने वाले किसान के पास में आपका जो ग्राम सेवक हैं वो शासकीय प्रसाधन नहीं है, पटवारी का कहीं पता नहीं चलता है, हैंडपंप के बता ही रहा हूँ, हैंडपंप जो हवा दे रहे हैं, उसके बाद जो है गांव के अंदर में पूरी तरह से जितने पंचायत आते हैं, मैं दो पंचायतों में मैंने आरटीआई लगाई है और मैं बताना चाहता हूं कि मझगवां पंचायत में 50 लाख रुपए का घोटाला हुआ था जिसके आरटीआई मेरे हैं, और उसमें जो है प्रस्ताव जो है सिरमौर जनपद के द्वारा किया गया था और 2 महीने हो गए और मेरा खुला आरोप है कि इसको जो है कार्रवाई को जो है करने का पावर जो है 88, 89, 93 जो धारा है वो कलेक्टर महोदय करना चाहिए। कल मैंने ट्वीट किया था कलेक्टर महोदय को, इल्ली राजा जी को, और उस पर बोला था, लेकिन जानकारी जो मिल रही है वो वहाँ पर जो है विधायक केपी त्रिपाठी के दबाव कारण 2 महीने हो गए और अभी तक जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार सतनी में भी इनके ही रिश्तेदार लोगों का चलता है, इस प्रकार से सभी पंचायतों को हाईजेक कर रखा है और वो हाईजेक करने के कारण जो है मेरा एक खुला आरोप है कि विधायक जी को ये काम करने के लिए अगर दूसरे काम करते लोगों को सहाय होते तो ज्यादा अच्छा होता, यही बात मेरे अपनी तरफ से कह सकता हूँ। भ्रष्टाचार किस तरह से हावी है और स्थानीय नेताओं का आज तक क्या रोल है? भ्रष्टाचार इस तरह से हावी है कि मैं बता दूं आपको कि पहले ही कड़ी में आपको बता दूं सिमरिया नगर पंचायत के अंदर में एक तालाब है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग, एक तालाब है जिसको सहतरा तालाब कहते हैं, उस सहतरा तालाब के ऊपर बाउंड्री पे बाउंड्री जो है जो पहाड़ों से पानी आने वाले बाउंड्री को उसको जो है सिंगरौल पैलेस ने के एक व्यक्ति के द्वारा उसको जो है पूरी तरह बाधित कर दिया गया, पूरे जो तालाब सूख गए हैं, उस तालाब को जो है हमने जो है 28 पिलर गिराने की फाइल अभी भी लंबित है, वो तहसील पड़ी है लेकिन उसको हटाने की किसी प्रशासन नहीं है, और इसके बाद जो है कहीं पर भी तहसील में घुस जाए, नगर पंचायत में गया था, लोगों के पैसे रोके गए हैं, जब से वहाँ पर से जो अध्यक्ष पद हटा है उसके बाद से अंतिम जो किस्त उनको नहीं मिल पाई है, वो किस्त बोल रहे हैं तभी मिल पाएगी, जब इलेक्शन आएगा तो बांटेंगे हम। स्थानीय नेताओं का आपने सवाल अच्छा पूछा, स्थानीय नेता जो वहाँ से विधायक के उम्मीदवार थे मेरे साथ में 22 लोग थे, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैं जो कि नया नया ही आया था और मेरे पास में जो मैं चौथे नंबर पे था, मेरे से ऊपर जो है एक तो केपी त्रिपाठी विधायक है वहां के, तो उनके हाव भाव तो मैंने बता ही चुका हूं कि उनके कार्यकलाप कैसे हैं, उनके बाद जो आने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है त्रिवेणी नारायण शुक्ला जो कि बीजेपी के वहां पर जो है कैंडिडेट के साथ में लड़कर कांग्रेस के कैंडिडेट थे और वो जो है उनके साथ में आज तक किसी मामले में वहां तक नहीं बोल पाए। उनके बाद मेरे से ऊपर जो एक और जो थे उनकी बात करें तो पंकज पटेल जी हैं, तो पंकज पटेल जी भी आज तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं। मेरे पास संसाधन का, मैं कोई आम आदमी से आता हूं तो मैं अपनी जॉब के साथ में ये सब सारे काम करता हूं तो मेरे पास संसाधन की कमी है, पर इनके पास संसाधन की होने के बाद भी इनका ना बोलना, मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी कांग्रेस जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और साथ में जो सहयोग के रूप में पंकज भाई भी जो हैं वो उनके साथ चलते हैं, ये जनता का मुद्दा ना उठाना मेरी नज़र में नेताओं की निष्क्रियता है। और इस समय जो है विधानसभा सिमरिया में सिर्फ केवी त्रिपाठी और उनके अगेंस्ट में बोलता हुआ मैं प्रमोद शर्मा नजर आऊं। चलिए विराट 24 आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है जो आपने सिमरिया विधानसभा की बहुत सारी समस्याओं को पब्लिक के सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए तमाम ताजा तरीन बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।